नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। हम 2023 में आपकी राशि के अनुसार आपके आने वाले भविष्य की बात करेंगे, जिसमें कि आपको बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार आपके लिए नया वर्ष क्या संकेत लेकर आया है, जैसे नए वर्ष में करियर कैसा रहेगा, वित्तीय मामलों में आपके पास पैसे आएंगे या खर्च का बोझ बढ़ेगा, ग्रहों की चाल से आपका भाग्योदय होगा या नहीं, लव लाइफ में रोमांस रहेगा या फिर परेशानियां आएंगी, परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, ये सब बातें आप जानेंगे। लेकिन इससे पहले, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वर्ष 2023 में अगर हम कर्क राशि की बात करें तो बात अगर सबसे पहले कर्क राशि के व्यक्तित्व की जाए तो कर्क राशि के जातक स्वभाव से दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ये लोग बहुत भावुक और कल्पनाशील होते हैं। इनके अंदर भाषा और संवाद कौशल के खास गुण होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन ये लोग स्वभाव से काफी चंचल होते हैं। कुछ मामलों में इनमें आध्यात्मिक गुण भी होते हैं। इनकी याददाश्त काफी तेज होती है। ये स्वभाव से बेहद सरल, संवेदनशील और दयालु होते हैं। 2023 में आपके करियर की बात करें तो करियर के हिसाब से ये वर्ष कुछ बेहतरीन होने वाला है। देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में अप्रैल तक आपके हर कार्य में सहायक होते हुए नजर आ रहे हैं। 17 जनवरी से शनि का गोचर आपकी राशि के अष्टम भाव में होगा। ये एक तरफ शनि की ढैया की शुरुआत है तो दूसरी तरफ कुछ नई संभावनाएं भी शनि के अष्टम भाव में गोचर से आपको मिलेंगी। राहु और केतु का गोचर पहले से ही कुछ परिवर्तन की संभावनाएं दे रहा है। अप्रैल के बाद जैसे ही देव गुरु बृहस्पति का प्रवेश मेष राशि में होगा, कार्यों में सफलता और कुछ सावधानियों का समय आपका शुरू हो जाएगा। शनि के अष्टम में होने का ये भी संकेत होता है कि जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। नौकरी पेशा लोग अगर ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ये शनि का गोचर उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मन पसंद जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन नौकरी में कड़ी मेहनत से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, ये भी संकेत आपको मिलते हैं। अगर 2023 में आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो राहु और केतु पिछले कुछ समय से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल की वातावरण बनाकर रखे हुए हैं। अप्रैल के बाद जैसे ही देव गुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में पहुंचेगा, पारिवारिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। शनि का अष्टम भाव में गोचर जनवरी में ही प्रारंभ हो जाएगा। पारिवारिक मामलों में कुछ नई समस्याओं का संकेत भी आपको उठाना पड़ेगा। कुछ पैतृक विवाद जो कि चले आ रहे हैं उन्हें सुलझाने का कार्य भी आपको करना होगा और सारे ही मामले अगर शांति से निबट जाएंगे तो जल्द ही आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो ये वर्ष स्वास्थ्य के मामले में आपको कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। 17 जनवरी से शुरू हो रही शनि की ढैया कुछ मानसिक तनाव देगी। शनि की द्वितीय भाव पर दृष्टि कुछ कुटुंब के मामलों में विवाद का कारण भी बनेगी। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अष्टम भाव में शनि का गोचर वैसे तो बहुत निराशाजनक नहीं है, लेकिन कुछ अचानक से होने वाली बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपके छठे भाव का स्वामी बृहस्पति इस वर्ष अप्रैल तक मीन में, उसके पश्चात मेष राशि में रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि छठे भाव पर अप्रैल के बाद देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वास्थ्य के लिहाज से किसी बड़ी समस्या को न बनने का संकेत देती है। फिर भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। योग व्यायाम नियमित रूप से आपको करना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये वर्ष अच्छा रहेगा। अष्टम भाव में शनि कुछ अचानक से होने वाले धन लाभ की तरफ भी संकेत कर रहे हैं। वहीं कुछ पारिवारिक संपत्ति के मामले इस वर्ष निपट सकते हैं।
देव गुरु बृहस्पति का गोचर नवम और दसम भाव में रहेगा। इससे भाग्य के प्रभाव में भी इस वर्ष आर्थिक मामलों में अच्छा रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो कर्क राशि के छात्रों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि कुछ अच्छी संभावनाओं का संकेत करती है। चौथे भाव में चल रहे राहु आपको कुछ मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। साथ ही शनि की ढैया वर्ष के प्रारंभ में शुरू हो जाएगी, इसलिए एकाग्रता और अपनी पढ़ाई पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। जो छात्र विदेश में दाखिले के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका सपना इस वर्ष पूरा हो सकता है। कर्क राशि की लव लाइफ की बात करें तो 2023 में कर्क राशि वालों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी कुंडली इस साल मंगल की उपस्थिति के कारण आपकी लव लाइफ को कुछ समय के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए इस राशि के लोगों को सलाह है कि पार्टनर के साथ संभल कर रहें और कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो आपकी मानसिक और शारीरिक समस्याओं को बढ़ा दे। आपको इस साल आपकी लव लाइफ में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद जो लोग सिंगल हैं उन्हें इस साल अच्छा पार्टनर मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं वे साल के आखिरी 6 महीने में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। आपकी कुंडली के गुरु गोचर के साथ ही आपकी लव लाइफ और बेहतर हो जाएगी। साल की शुरुआत में आप अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताएंगे और दोस्तों के बीच अपनी लव लाइफ को भी एंजॉय करेंगे। आपकी कुंडली में शुक्र की मौजूदगी के कारण आपको पार्टनर के साथ एकांत में वक्त बिताने का भरपूर समय मिलेगा। हालांकि इस दौरान आपके खर्च काफी बढ़ सकते हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। बस 2023 आपके लिए अच्छा रहे इसके लिए उपाय के तौर पर भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें और शिवलिंग पर अभिषेक करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य करें। वीडियो अगर उपयोगी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।